हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल साइंस के एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एनवायरमेंटल साइंस के पेपर दो में एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन जो दिसंबर 2019 NTA में पूछा। Mean marks of 200 students in statistics are 47. The mean marks of top 25% student are 72 and that of bottom 25% student are 25. Which of the following are the mean marks of the remaining student? इसमें ऑप्शन हमें चार ऑप्शन दिए, 48.5, 47.5, 45.5 and 44.5. दोस्तों, सारे ऑप्शन हमारे सिमिलर लग रहे हैं। देख लेते हैं दोस्तों मीन का फॉर्मूला पहले, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होगा, और यही इसका बेसिक एसेंस है। अगर आपको मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको, उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मीन होता है हमारा सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स। तो इन हमारे केस में डाटा पॉइंट्स क्या है? मार्क्स। तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे क्या डाटा पॉइंट्स है, और नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमारे, नंबर ऑफ स्टूडेंट 200। तो हमारे क्या हो गए, 200 हमारे डाटा पॉइंट्स हो गए, और मार्क्स ऑफ दैट 200 स्टूडेंट इज का सम हमें करना है। देख लेते हैं, हमें गिवन है, हमें मीन मार्क्स ऑफ टॉप 25 स्टूडेंट हमें गिवन था, जिसको हम इस मीन के फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूला जो मैं बात कर रहा हूँ उस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मीन मार्क्स ऑफ टॉप 25 स्टूडेंट हमें गिवन है 72, और सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट हमें मिल जाएगा, यानी कि सम ऑफ मार्क्स ऑफ टॉप 25 स्टूडेंट हमें मिल जाएगा। और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट मतलब दोस्तों कितने स्टूडेंट है, टॉप 25 स्टूडेंट कितने होंगे, 25% ऑफ 200। तो 25% ऑफ 200 होगा हमारा दोस्तों 50। तो हमारा सम ऑफ मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट कितने रहेंगे, 3600 रहेंगे। तो हम इसी प्रकार से हम सम ऑफ मार्क्स ऑफ बॉटम 25% स्टूडेंट निकाल देंगे 1250। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम ऑफ मार्क्स एवरेज निकालना है रिमेनिंग स्टूडेंट का। तो एवरेज निकालने के लिए हमें रिमेनिंग स्टूडेंट का हमें क्या चाहिए होगा, सम ऑफ मार्क्स ऑफ दैट रिमेनिंग स्टूडेंट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या बोला, सम ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स। तो इसके लिए हम पहले क्या निकालेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो सम ऑफ मार्क्स ऑफ 200 स्टूडेंट हमारे क्या होंगे दोस्तों, सम ऑफ मार्क्स ऑफ टॉप 25 स्टूडेंट प्लस सम ऑफ मार्क्स ऑफ टॉप बॉटम 25 स्टूडेंट प्लस सम ऑफ मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट। तो इस फॉर्मूले को हम देखते हैं, एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हमने जैसे हम कर रहे थे, ये एक्सपेंड कर लिया हमने फॉर्मूला, ये हम दोनों को कैलकुलेट कर लिया है, सम ऑफ हमें रिमेनिंग हमें निकालना है, और हमें टोटल मीन गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम सम ऑफ रिमेनिंग मार्क्स निकाल लेंगे दोस्तों, उसकी वैल्यू हमारी जाएगी 4550। जब हमें दोस्तों इसका सम मिल जाएगा तो हम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट हमें पता है, तो रिमेनिंग हमारे क्या, टॉप 25 बॉटम 25, तो रिमेनिंग क्या होगा 50%। तो हमारे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट कितना होगा, 50% ऑफ 200। तो 50% ऑफ 200 कितना हो, 100। तो हमारा इसको वैल्यू को मीन के फॉर्मूले में रख देंगे, सम ऑफ मार्क्स ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट दैट इज 50%, और इस वैल्यू को 4550 को हम पुट कर देंगे, और हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट डाटा पॉइंट 100, तो हमारा आंसर है 45.50। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अपनी आने वाली वीडियो में आपको और अच्छे से क्लियर कर सकें। धन्यवाद।